नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के जितने भी स्नातक पर स्नातक यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं। दोस्तों, परीक्षा को लेकर इस समय बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि नोटिस परीक्षा डेट शीट को लेकर आ चुका है। जितने भी विद्यार्थी अभी तक डेट शीट के बारे में नहीं मालूम है, तो वो विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। दोस्तों, सभी स्टूडेंट के लिए डेट शीट को लेकर परीक्षा को लेकर बड़ी नोटिस जारी की गई है। दोस्तों, पिछले दिनों हमने एक वीडियो पब्लिक किया था जिसमें बताया था कि आपका जो है फीस सबमिट कब होगा और जो भी त्रुटियां हैं आपके नाम में, वो कैसे आप किस तारीख को किस तारीख के अंदर अपना जो है सही करा सकते हैं अपने महाविद्यालय के थ्रू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे आप लोगों का टाइम टेबल कब आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि नोटिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अक्टूबर में यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट सेकेंड वीक तक लेटेस्ट आप सभी का एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके जाइए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेट शीट के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे, कब टाइम टेबल आएगा और कब आपकी परीक्षाएँ स्टार्ट हो जाएंगी और एडमिट कार्ड भी कब जारी होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के हैं, या जो कनेक्ट महाविद्यालय हैं यानी कि 365 महाविद्यालय के जितने भी रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट को बता दें आप सभी का जो है प्रथम सेमेस्टर का जितने भी स्नातक पर स्नातक तक के विद्यार्थी हैं, उन सभी का अक्टूबर के सेकेंड वीक से यानी कि 15 तारीख के अंदर अंदर आप सभी की परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। आप सभी को बता दें टाइम टेबल और जो है सेंट्रल लिस्ट कब जारी होगा, तो इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, लेकिन आप लोगों को बता दें इसी महीने के लास्ट यानी कि सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के 3 से 4 तारीख तक आप सभी का जो है एडमिट कार्ड और सेंट्रल लिस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी भी फीस सबमिट हो रहा है, यदि आप फीस सबमिट नहीं करेंगे तो आप परीक्षा में नहीं बैठने पाएंगे, अथवा आप सभी फीस जमा कर दें। अब रही बात उन स्टूडेंट को जो स्टूडेंट का बैग लगा है, उन सारे स्टूडेंट को बता दें बैग पे फॉर्म आता जा रहा है। आप लोग अपने महाविद्यालय से संपर्क में रहिए, अपने महाविद्यालय से अपना बैग फॉर्म भर लें, क्योंकि जो परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है इसमें बैग की भी परीक्षा होगी, तो आप लोग अपना बैग भी भर लेंगे और उसकी भी परीक्षा इसी परीक्षा के साथ कराई जाएगी। तो आशा करता हूँ ये इम्पोर्टेंट जानकारी आपको